कटड़ा आएगा या कटड़ी, वो 10 महीने के बाद में हमें पता चलता है। जो 10 महीने हमने इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जिस दिन पशुधन प्रेग्नेंट होगा उसी समय पता लगा पाएंगे। भाई नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को, राम राम। आज की वीडियो लेकर के आ रहे हैं भाई अपने ही डेयरी फार्म से। जो भी पशुपालक भाई नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप भाइयों तक पहुंच सके। और वीडियो को बिल्कुल ही स्लिप मत करना भाई, वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखना ताकि आप भाइयों के लिए जो वीडियो खास बना रहा हूं भाई पूरी की पूरी जानकारी आप भाइयों के साथ में शेयर करूंगा। जो कि पहले हमने इस जो वीडियो बना रहे हैं इसमें जो उपाय हम बता रहे हैं पूरी संतुष्टि की फिर आप भाइयों के साथ में साझा कर रहे हैं भाई। तो आज का टॉपिक है जब पशुधन गाय या भैंस बच्चे को जन्म देता है तो उस समय बछड़ा आएगा या बछड़ी, कटड़ा आएगा या कटड़ी, वो 10 महीने के बाद में हमें पता चलता है। तो इसका जो उद्देश्य है वो आप भाइयों के साथ में मैं लेकर के आ रहा हूँ। जो 10 महीने हमने इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, वो क्योंकि जिस दिन पशुधन प्रेग्नेंट होगा उसी समय हम पता लगा पाएंगे भाई। तो पूरी की पूरी जानकारी आप भाइयों को दूंगा भाई, और आप भाइयों से रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर कर दें। हर किसान भाई के पास में ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए ताकि हर पशुपालक भाई का जो 10 महीने का समय है वो ख़राब ना हो, तुरंत इसको पता चल पाए। तो इसी के ऊपर बात करते हैं भाई। तो साथियों जब हम पशुधन प्रेग्नेंट करवा करके लेके आते हैं, अगर बुल बाहर गांव में होता है तो उसको वहां ले जाना पड़ता है पशुधन को, अगर बड़ा डेयरी फार्म है तो वहां पे बाहर नहीं ले जाना पड़ता, और सीमन लगवाते हैं तो वो घर पे लग जाता है। तो अगर बाहर कराते हैं तो घर पे ले आते हैं उस समय, और घर पे ही बुल है तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। जब पशुधन प्रेग्नेंट हो जाए, एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से बताऊंगा भाई, वीडियो को ज़्यादा स्लिप ना करें। आप भाइयों से रिक्वेस्ट है अगर 1-2 सेकंड की भी वीडियो आपने स्लिप कर दी, पूरी वीडियो देखने का आप भाइयों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना हमारा तजुर्बा है फील्ड से घूम करके जो आप भाइयों जो भी हमने सीखा है वो आप भाइयों के साझा कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे। तो भाई जब हम पशुधन को प्रेग्नेंट करवाते हैं, प्रेग्नेंट होने के बाद जब पशुधन बैठता है उस समय हमने ये बातें ध्यान में रखनी है भाई। फिर से बता देता हूँ भाई, जब पशुधन प्रेग्नेंट होता है उस समय पशुधन बैठता है उस समय हमने देखना है भाई, जिस साइड पशुधन का जो हम दूध निकालते हैं अगर उस साइड पशुधन बैठता है तो पशुधन को बैठने दें। फिर से बताना चाहूँगा भाई, जिस साइड बैठ करके पशुधन का दूध निकालते हैं दुआई साइड में, उस पशुधन को बैठने दें। जो पशुधन दूध निकालने की साइड बैठेगा 99% बछड़ी या कटड़ी को जन्म देगा। भैंस होगी तो कटड़ी को जन्म देगी, और गाय होगी तो बछड़ी को जन्म देगी। और जिस साइड से दूध नहीं निकालते हैं अगर पशुधन वहाँ बैठता है तो 90% कटड़ा या बछड़े को जन्म देगी। और इस चीज़ में भी हम एक उपाय आप भाइयों के साथ में और शेयर करूँगा ताकि इस चीज़ से भी
हम कुछ न कुछ कोशिश कर सकें। तो इस चीज़ के लिए भी आप भाइयों को बताना चाहूँगा भाई, जो बछड़ा या कटड़ा जो आने वाला है उसकी जगह बछड़ी या कटड़ी हम कैसे बना सकते हैं। तो पूरी की पूरी जानकारी वीडियो में दूंगा भाई, वीडियो को स्लिप बिल्कुल ही मत करना। जब पशुधन प्रेग्नेंट होने के बाद बैठता है तो जिस साइड से दूध नहीं निकालते हैं पशुधन, उस साइड में बैठने की जो कोशिश करता है तो उसे हम पशुधन को तुरंत उठा दें, खड़ा कर दें। जब पशुधन बैठेगा आगे वाले पैर जो पहले झुकाएगा उसी समय हम पशुधन को खड़ा करेंगे। पूरा पशुधन बैठने नहीं देना है। तो साथियों, जो भी डिटेल हमने बताई, पहले हमने उपयोग किया और फिर आप भाइयों के साथ में साझा कर रहे हैं भाई, तो फिर से बताना चाहूँगा भी, जिस साइड से दूध निकालते हैं उस साइड में पशुधन बैठेगा तो कटड़ी या बछड़ी को जन्म देगा 99%। जिस साइड से पशुधन का जो दूध नहीं निकालते हैं उस साइड में पशुधन को बैठने नहीं देना है। जब तक नहीं बैठने देना है जब तक पशुधन दूध निकालने वाली साइड में न बैठ जाए। पशुधन प्रेग्नेंट होने के बाद आधा से पौना घंटा, 40 से 45 या 1 घंटे के अंदर पशुधन बैठेगा तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो साथियों, जो भी हमने डिटेल बताई, हमने 2 पशुधन के ऊपर उपयोग किया और तीसरा जो पशुधन अपने घर पे जो जन्म देगा 1.5 महीने के बाद, हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं भाई, 77-770-40-846। काफ़ी पशुपालक भाइयों की डिमांड थी भाई इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए, और हमने बहुत फील्ड में घूम करके बड़े बुजुर्गों से पूरी तसल्ली करके पूरा एक्सपीरियंस पशुपालक भाइयों का ले करके फिर आप भाइयों के साथ में ये वीडियो साझा कर रहे हैं भाई। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो पे, बहुत घूमे हैं, फिरी हैं, काफ़ी सफ़र जो हमने तय करना पड़ा इस जो उपाय के लिए। तो साथियों, फिर से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर पशुपालक भाई के पास में पहुंचा दी जाए। तो हर वीडियो हम जितने भी हमें नॉलेज होगी फील्ड से वो आप भाइयों के साथ में साझा करते रहेंगे भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार।